40-50 साल के अनुभव में मैंने ये पाया कि बिना रिश्वत के कोई काम होते ही नहीं। पैसेंजर आराम से होटल में ठहरता था, हम गाड़ी में सोते थे, मच्छर खाते थे, गाड़ी पैक करते तो गर्मी खा जाती थी हमको। पहले तो ये कंडीशन थी कि एम्बेसडर के सिवाय जीप को भी टैक्सी का परमिट नहीं मिलता। ये सब बड़ी मतलब हमारी को वेदना होती है कि हम किस देश में जी रहे हैं। कोई बस ड्राइवर थे, कोई कंडक्टर थे, बड़े बड़े मिनिस्टर बने, ये सब ड्राइवरों की देन है। तो उन्होंने कभी ये नहीं समझा ये चीज़ें? वो तो जिस दलदल से निकल गए उनको क्या परवाह थी। और विशेषकर सीपी साहब तो एक निष्पक्ष आदमी है, वो जरूर सुनेगा इस बात। और अगर हमारी सांसद महोदय आई तो उसका तो फर्ज बनता है। आप ड्राइविंग लाइन में कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं कैसे ड्राइवर बन गया, कोई दूसरा बिजनेस करता तो ठीक रहता, परिवार अलग में अलग? जैसे आज जोधपुर चले गए, जयपुर चले गए, तो हर टैक्सी, हर जगह, हर चौराहे पे पुलिस वाले गाड़ी रुकवाते हैं। तो हर टाइम में गाड़ी रुकवा दी तो समझ लो हमारे को 500 रुपये चाहिए, हमारी परेशानी है। और हमारा कोई सरकार सुनती भी नहीं, हर टाइम में हम खड़े रहते हैं, सरकार की तरफ से हम तैयार रहते हैं, फिर कि सरकार ने हमारे को कोई सहयोग नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में प्रदेश भर के चालक मालक का महाकुंभ होने जा रहा है। इस महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इस तैयारी के बीच में हम प्रयास कर रहे हैं कि जो चालक हैं, ड्राइवर हैं, उन ड्राइवरों के क्या अनुभव हैं, उनके ज़िंदगी के, उनके जीवन के, वह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह से वो एक ज़िंदगी भर इस गाड़ियों को चलाते हैं, चालक ड्राइविंग करते हैं, और ड्राइविंग के बाद में उनके क्या अनुभव रहते हैं, ज़िंदगी भर ड्राइविंग के बाद क्या कुछ मिला, वो कुछ अनुभव जानने के प्रयास करते हैं। हमारे साथ में कुछ ऐसे ही वरिष्ठ और कुछ जो ड्राइवर हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मैं कमल भाटिया, 1976 से टैक्सी चला रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने 2027 तक लाइसेंस रिन्यूअल करवाया है और RTO वगैरह में सब जगह फिटनेस कराने जाओ, कुछ भी काम कराने जाओ, ऊपर से चौथ वसूली देनी ही पड़ती है। 40-50 साल के अनुभव में मैंने ये पाया कि बिना रिश्वत के कोई काम होता ही नहीं है। जबकि ड्राइवर हर चीज़ में फिटनेस फीस भी देता, इंश्योरेंस देता। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं नाथद्वारा का। आप ड्राइविंग क्या शुरू से ये सपना था कि मैं ड्राइवर बनूं या और कोई मानस था? बिल्कुल, उस वक्त बहुत कम रोजगार थे और ड्राइवरों को अंदर बहुत स्वाभिमान था, मार्केट में उनकी वैल्यूएशन थी, पूछ थी। एक एक ड्राइवर को बाहर ले जाने के लिए 15 दिन पहले व्यापारी यात्री एडवांस बुकिंग करवाते थे कि आपको हमारे साथ हरिद्वार चलना है, आप दूसरे को गाड़ी नहीं दोगे, ये स्थिति थी। ये कब, कौन से सन की बात? ये मैं बता रहा हूँ आपको, 77 से 85 तक ये ऐसी व्यवस्था थी। 77 में आप ड्राइविंग शुरू की? 76 से, हाँ। और उसके बाद हम रेगुलर चलते रहे। जो भी कुछ संघर्ष आया जीवन में, रात भर आँखें फोड़ी है, पैसेंजर आराम से होटल में ठहरता था, हम गाड़ी में सोते थे, मच्छर खाते थे, गाड़ी पैक करते तो गर्मी खा जाती थी हमको, मगर हमने वो सारे दिन देखे और सारे दिन निकाले। और हमारे बच्चों को बड़ी मुश्किल से हमने पढ़ाया लिखाया, थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ, मगर आज ये देखते हैं कि ड्राइवर के लिए कोई पेंशन योजना नहीं। टोल के मामले में मैंने गत जो सरकार थी उसने प्राइवेट गाड़ियों के लिए टोल राजस्थान पूरे में फ्री कर दिया और टैक्सी वालों पे दुगना कर दिया। टैक्सी वाले जब तक इतना सब राजस्व देते हैं फिर भी टोल उनके साथ, हर कोने में कहीं भी जाओ, भले जोधपुर जाओ, फालना से आगे जाओ, टोल डबल टैक्सी वालों के और प्राइवेट वालों को माफ़। तो अवैध गाड़ियाँ चलन हो गया, उसका अवैध गाड़ियों का चलना चालू हो गया, मगर ये सब चीज़ गलत था और हमने इस सब चीज़ को बर्दाश्त किया। आज जब जोत सिंह जी राणा से हम मिले, हमारे स्टैंड के पास में दूसरा स्टैंड इन्होंने बनाया, हमने सारी वार्तालाप की, इन्होंने कहा क्या करना चाहिए, मैं कहा आप एक सामूहिक काम करते हैं और इसको सरकार के सामने अपनी व्यथा रखते हैं, तो इन्होंने भी पूरा सहयोग किया, हमारे सब भाइयों ने उसमें आवाज़। पहले यूँ बताओ, इससे पहले आप 76 से ड्राइविंग कर रहे हैं, पहले कभी ऐसा पड़ाव आया, ऐसा कभी कि हमारी बात नेताओं को बताएं, जनप्रतिनिधियों को बताएं या सरकार को बताएं? पहले इतने ड्राइवर नहीं थे,
चुनाव में भी इनको ड्राइवरों की ज़रूरत रहती थी, तो ड्राइवर चुनाव के अंदर दौड़ते थे, मोहनलाल सुखाड़िया हो, भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे कोई से भी नेता हो, सबके साथ नाथद्वारा के ड्राइवर दौड़े हुए हैं और वो सारी स्थिति को जानते हैं। पहले तो ये कंडीशन थी कि एम्बेसडर के सिवाय जीप को भी टैक्सी का परमिट नहीं मिलता था। हमने गुलाब सिंह जी सत्तावत करके एक गृह मंत्री थे राजस्थान के, मैं पहला व्यक्ति था, 1,05,000 में एक जीप खरीद के उनके पास गया। उनसे मैंने कहा समस्या ये है कि अगर ये टैक्सी पास नहीं होगी तो मेरी गाड़ी को ये रोडवेज फ्लाइंग जो चलती है ये इसको सीज कर देगी। उन्होंने मेरा को पूरा आश्वासन दिया, उन्होंने सोनटका नाम के कमिश्नर को फ़ोन किया, मुझे आल राजस्थान का पहला परमिट RST 6418 के नाम से मिला। कब मिला ये? मिला मेरे को 1980 में। अच्छा। और भंडारी दर्शक मंडप में इसकी मीटिंग हुई और मुझे कमिश्नर साहब ने कहा कि अच्छा मिनिस्टरों से फ़ोन करवाते हो। मैंने कहा हाँ साहब करवाया है, मेरे को ज़रूरत थी। बड़ी मुश्किल से मेरा वो पहला परमिट इशू हुआ जीप का। उसके बाद जीपें सारी टैक्सी के अंदर चालू हुई क्योंकि वो एक रास्ता खुल गया। बाकी पहले सिर्फ 5+1 एम्बेसडर चलती थी टैक्सी में, बाकी सारी प्राइवेट गाड़ियां चलती थी, बड़ी घूस देनी पड़ती थी, बड़ी स्थिति ख़राब थी। ये आपने रिश्वत की बार बार हर जगह जिक्र किया, अगर लाइसेंस में इसमें तो ये इससे कभी यूँ नहीं लगा कि यार इतने ऐसे हालात क्यों हैं? अपन कौन से देश में जी रहे हैं या कैसे हालात हैं? हालात तो हम समझ रहे हैं कि हमारी यूनिटी और क्वान्टिटी नहीं है, हम इतने ज़्यादा नहीं हैं कि कुछ विरोध कर सकें। ऊपर से हमें बड़ी ज़रूरत रहती थी नेता लोगों के साथ भी जाने की, इनकम सोर्स की भी, सब तो हमें दबना पड़ता था जगह जगह। आज भी आप फिटनेस कराने जाइए, मेरा चैलेंज है कि अगर फिटनेस फीस के अंदर वो आदमी फिटनेस करा के आ जाएगा तो हम गलत और वो सही, उसको ऊपर से पैसा देना ही पड़ता है। दलालों के पास पैसा जाता ही है और फिर फिटनेस होते हैं गाड़ियों के। दलाल के पास नहीं जाएं, सीधा जाए तो भी उसमें वो उनके वहाँ तैयार रहते हैं आदमी सब। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बड़ी मतलब हमारी को वेदना होती है कि हम किस देश में जी रहे हैं, मगर हमें जीना है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं और हमारा ये फ़र्ज होता है कि हम कानून का उल्लंघन नहीं करें, इसलिए हमें फिटनेस भी ज़रूरी कराने पड़ते हैं और फिटनेस के बिना हम रोड पे चल नहीं सकते। जबकि प्राइवेट गाड़ी के लिए कोई फिटनेस नहीं है, हमारे लिए सारे कानून लागू होते हैं, हम सारा पैसा चुकाते हैं, उसके बाद भी ड्राइवरों की कोई वैल्यू नहीं है। मुख्य रूप से वैल्यू क्यों नहीं? ये आप जैसे आप कह रहे हो कि एक जनप्रतिनिधि, नेताजी जो जनप्रतिनिधि बनाते हैं, मंत्री बना रहे हैं, उनके भी एक ड्राइवर है और आप ड्राइवर तो सब सेम है, वो उनका सम्मान तो है। वो सारे ड्राइवर सिफारिश से आते हैं मिनिस्टरों के, उनको तनख्वाहें मिलती है 25 से 50 हज़ार रुपये तक की, वो क्यों परवाह करेंगे एक साधारण टैक्सी ड्राइवर के लिए? सबसे बड़ी विडंबना ये है। नहीं, गवर्नमेंट वाले तो चलो मान सकते हैं, बाकी प्राइवेट को भी नौकरी कह रहे हो, कई नेता बना दिए इन ड्राइवरों ने जो कि हर चुनाव में। मैं आपको नेताओं के नाम गिनाऊं, हरियाणा के भजन लाल, अपने बंसी लाल, ये सब कोई बस ड्राइवर थे, कोई कंडक्टर थे, बड़े बड़े मिनिस्टर बने, ये सब ड्राइवरों की देन है। तो उन्होंने कभी ये नहीं समझा ये चीज़? वो तो जिस दलदल से निकल गए उनको क्या परवाह थी कि पीछे क्या हो रहा है। मतलब कुल मिला के जो ये समस्या है चालकों की या ड्राइवरों की, एकता नहीं थी पहले या कम्युनिटी थी, तो इस वजह से आवाज़ नहीं उठ पाई। बिल्कुल यही बात थी। अब क्या लग रहा है आपको, जैसे आज पूरे राजस्थान के ड्राइवर एकजुट हो रहे हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है? हमें उम्मीद ये लग रही है कि जो भी मिनिस्टर हमारी इसमें आएंगे फंक्शन में, वो हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और विशेषकर सीपी साहब तो एक निष्पक्ष आदमी है, वो ज़रूर सुनेगा इस बात को और वो हमारी मांगों को गौर से देखेगा, स्वीकार करेगा, आगे भी कोशिश करेगा। और अगर हमारी सांसद महोदय आई तो उसका तो फर्ज बनता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की मालिक है वो, केंद्र में सांसद है वो, नितिन गडकरी के सामने ये चीज़ें रखेगी तभी हमारी समस्या का समाधान होगा, हम उनको कहेंगे। आज ये पूरे राजस्थान के ड्राइवरों को एकजुट करने के प्रयास हुए हैं, क्या कल फिर देश के ड्राइवर एकजुट होंगे? अगर राजस्थान का उदाहरण सबके सामने जाएगा तो दूसरे स्टेट भी जागेंगे, सब एक होंगे
और अपने अपने स्टेट में अपने अपने विधायकों को सांसदों को पे दबाव बनाएंगे कि हमारी भी मांगे स्वीकार करो। आप ड्राइविंग लाइन में कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं कैसे ड्राइवर बन गया, कोई दूसरा बिजनेस करता तो ठीक रहता, परिवार अलग मैं अलग? ऐसा है कि ड्राइवर का जो बिजनेस है, टैक्सी का जो बिजनेस है, वो एक ऐसा बिजनेस है कि आपको रोकड़ पैसा मिलता है। पैसेंजर उतरा, आपको रोकड़ा पैसा दिया और आपको हर चीज़ उधार मिलती थी। मोटर पार्ट्स है, डीजल है, पेट्रोल है, उस टाइम में सब उधार मिलता था। तो हमें एक व्यवस्था ऐसी नज़र आई कि इस धंधे के अंदर अगर हम मेहनत करेंगे तो सक्सेस होंगे। दूसरे इतने बड़े धंधे नहीं थे, कोई मिल फैक्ट्रियां नहीं थी या कोई हमारे पास ऐसी 40 लाख रुपए पगड़ी देने वाली दुकान नहीं थी। वो तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन, लेकिन कभी आपको इस यात्रा के दौरान, इस सफ़र के दौरान, ड्राइविंग के दौरान कभी ऐसा उबना हुआ कहीं भी, जैसे परिवार से दूर चले गए या चार चार दिन पाँच पाँच दिन लग गया यार कहाँ आ गए अपन, अपने परिवार कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, ये सब महसूस हुआ? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमें बहुत महसूस हुआ। परंतु हमारी मजबूरी थी, हमें हमारे बच्चों को पालना था। सरकारी स्कूलों में भी जो 10-12 रुपए फीस थी वो बड़ी मुश्किल से भरते थे, तो वो भी भरना था। ड्रेसें भी लानी पड़ती थी, आज तो सरकार ड्रेसें भी दे रही है, खाने पीने का भी सामान दे रही है, उस ज़माने में कुछ नहीं था, हमें सब अपनी गांठ का करना पड़ता था। एक यूँ नहीं लगता है कि आपकी सेवा भी एक इमरजेंसी है, 108 की तरह? एम्बुलेंस बताते हैं, चिकित्सा विभाग बताते हैं, दूध वाला बताते हैं, हमारे प्रोफेशन है पत्रकारिता भी बताते हैं, ये एक इमरजेंसी में एक सेना मान सकते हैं अपन, फौज की तरह तैनात रहते हैं, ये आवश्यक सेवा है। टैक्सी का जो कानून के अंतर्गत जो है वो टैक्सी एक आवश्यक सेवा है। सबसे पहले तो टैक्सी स्टैंड जितने भी होते हैं वो सिटी के करीब होने चाहिए, दूर दूर नहीं होने चाहिए। कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है टैक्सी की, और आवश्यक सेवा के अनुरूप टैक्सी वालों को जागरूक रहना पड़ता है। वो मना नहीं कर सकता कि मैं पेशेंट को लेके उदयपुर नहीं जाऊं, कि राजसमंद नहीं जाऊं, उसको जाना पड़ेगा, ये एक टैक्सी सेवा का अंग है। ये मुख्य रूप से आपने देखे किस तरह से चालकों के अनुभव हैं, अनुभव भी हर किसी को एक तरह से, इनके जो अनुभव सुनते हैं, इनकी इमरजेंसी सेवा सुनते हैं, परिवार समाज बच्चों से जब अलग होकर जब आम लोगों की सेवा में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनके जो इस कहानी को सुनकर हर किसी का रूह कांप उठती है। हम और भी चालकों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? भैरू सिंह चंडावत। कहाँ रहते हो? परावल। कितने साल हो गए आप ड्राइविंग? मेरे को सर 30 से 35 वर्ष हो गए। क्या ड्राइविंग किसकी? जीप ड्राइविंग। शुरू से क्या अनुभव रहा आपके? सर आज से 35 साल पहले मैं गाड़ी चलाने जब आया नाद्वारा में, उस टाइम पे जो हमारे को 500-700 रुपए मिलता था, हमारी स्थिति ये थी कि हम इस लाइन में हमारी कोई कदर नहीं हो रही। अभी पहले कदर थी, अभी कोई कदर करता नहीं है। जैसे ड्राइवर, जैसे आज आपका नाम लेते हैं, ड्राइवर साहब के बुलाते हैं, कैसे कदर नहीं होगी? पहले थी, अब ड्राइवर नहीं बुलाते, कोई नहीं कहते। आज कोई कदर नहीं है। आज कहीं पैसेंजर लेके जाते हैं तो वो तो होटल में चले जाते हैं और हमारे को गाड़ी में सोना पड़ता है, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसके अलावा भी आरटीओ में जब इलेक्शन आते हैं, आरटीओ साहब आते हैं कि हमारे को गाड़ी दो, हम गाड़ी देते हैं, व्यवस्था करते हैं उनके लिए, लेकिन हमारे कोई व्यवस्था नहीं मिली। इसके बाद में भी मेरे को इतना उसमें चुनाव में मैं अलग नहीं मिलता है क्या? मिलता नहीं मिलता सर। अच्छा, केवल उसकी वही, वो जो टैक्सी में गाड़ी पे पैसा देते हैं पेमेंट वही मिलता है, डीजल का पैसा मिलता है और ऊपर से जो भी दाम मिलता है। पहले तो ये कहीं 160 रुपये था, उसके बाद में सरकार ने बढ़ाया, अभी 1100 रुपये किया था गए फेरी हम, लेकिन उनके व्यवस्था में तैयार रहते हैं, लेकिन हमारी कोई व्यवस्था नहीं देखते। ये ऐसी जो आपकी पीड़ा है, ये आपकी बातें हैं, ये कभी पहले भी प्रशासन अधिकारियों को बताने के प्रयास? सब अधिकारियों के पास जाते हैं लेकिन हमारा कोई नहीं सुनता। जैसे आज जोधपुर चले गए, जयपुर चले गए, तो हर टैक्सी, हर जगह, हर चौराहे पे पुलिस वाले गाड़ी रुकवाते हैं, तो हर टाइम में गाड़ी रुकवा दी तो समझ लो हमारे को 500 रुपये चाहिए, तो घर हम बचा के कुछ नहीं ला सकते, हमारी परेशानी है। और हमारा कोई सरकार सुनती भी नहीं। ऐसे हालात क्यों हैं? अगर आपके पास सब फिटनेस है, लाइसेंस है, कागज भी लेते हैं,
क्योंकि सरकार के उसमें तो हम कभी फाइनल कंप्लेंट रह ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ आइडिया निकाल ही लेते हैं, क्या कुछ भी निकाल देते हो, नंबर सही नहीं लिखा हुआ है, बल्कि हमारा सही रहता है, लेकिन पुलिस वाले को देना ही पड़ता है, एंट्री तो देना ही पड़ता है, वही चुपके से ले लेते हैं कि उस आदमी को दे दो। नहीं, चालान बनाते हैं कि चालान नहीं बनाते, पैसा लेते हैं सब में, हर गाड़ी वाले। अगर हर टैक्सी चालक के साथ ऐसी हो रही है तो फिर तो ये चीज़ संयुक्त रूप से कभी आवाज़ उठनी, आवाज़ किसके सामने उठाए? अभी हमारे जो सिंह जी है जैसे अध्यक्ष बने तो इन्होंने आवाज़ उठाई, उनका हम साथ रह रहे हैं इनके और सहयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा दबाव पड़ा या कम हुए उनकी इस तरह की? नहीं, अभी तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो क्या लग रहा है अब जो आपने मुहिम शुरू की इससे? अब तो जैसे बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, जो कल हमारा ये रखा है प्रोग्राम, इसमें जो सहयोग रह जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, वो आपकी मांगे तो चलो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की जो आप बात बार बार कह रहे हो, आपने भी की आप भी कर रहे हो, तो ये एक सबसे ज़्यादा मेरे को यूँ लग रहा है कि खोखला करने वाली है या ये हकीकत बात है। हर जगह परेशान करते हैं, बिना पैसे कुछ नहीं होता, नहीं होता कुछ नहीं होता, गाड़ी छोड़ते ही नहीं। नहीं, भले लाइसेंस है, फिटनेस है, हर कंप्लीट, हर गाड़ी कंप्लीट रहती है, फिर भी उनको गाड़ी रुकवा लिया, तो हाथ ऊंचा कर दिया था, कम से कम 200-500 तो देना ही है। नहीं दिया तो गाड़ी नहीं छोड़ते। पेशेंट यात्री अगर अंदर बैठे हैं सब, यात्री अंदर बैठे, यात्री का कोई सुनते ही नहीं, यात्री बोलते हैं तो यात्री को बोलते हैं कि हम ड्राइवर से बात कर सकते, आपसे बात नहीं करे, उनको नहीं बोलने देते, ये हमारी समस्या है। और इसके बाद में भी हर टाइम हम खड़े रहते हैं, सरकार की तरफ से हम तैयार रहते हैं, फिर कि सरकार ने हमारे को कोई सहयोग नहीं किया। ये मुख्य रूप से आपने देखा जो वरिष्ठ ड्राइवर हैं जिन्होंने इस फील्ड में कम से कम 50 से 55 साल बिताए, किस तरह से उन्होंने ड्राइविंग से अपना घर परिवार का गुजारा चलाया, और उनके अनुभव जो रहे हैं इस पूरे करियर में, वो शासन प्रशासन सरकार के प्रति काफ़ी रूखे अनुभव हैं, काफ़ी जो मतलब इस कुल मिला के सरकार शासन प्रशासन सिस्टम से वे कहीं ना कहीं इस त्रस्त हैं, इस सरकारी तंत्र से वे काफ़ी खफा हैं कि उनकी इस तरह से हालत, उनकी कद्र क्यों नहीं हो रही है, उनके जब चालक लाइसेंस हैं, गाड़ी के उनके पास दस्तावेज हैं, नियमानुसार उनकी पूरी टैक्सी है, फिर भी इस तरह से अवैध वसूली उनसे क्यों की जा रही है, ये उनका मुख्य सवाल है, और ये सवाल आने वाले इन सभा के माध्यम से वे उस सभा में रखेंगे। हम भी प्रयास करेंगे इनकी आवाज़, इनकी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।